सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने अपनी ही सरकार के झूठ की पोल खोल दी है। पाकिस्तान कहता रहा कि 27 फरवरी को उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए अमेरिका में बने फाइटर जेट F-16 का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार तहा सिद्दीकी ने पाक सेना में अपने सूत्रों के हवालों से दावा किया है कि इस ऑपरेशन में पाक सेना ने F-16 का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मेरे सूत्र बताते हैं कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन में F-16 का इस्तेमाल किया गया था। शनिवार को तहा सिद्दीकी ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद अम्मार का भी एक ऑडियो क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। इस पे मोहम्मद अम्मार बालाकोट पर भारतीय सेना के हमले की पुष्टि करते हुए पाकिस्तान सरकार को कोस रहा है। बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमले के बाद भारत ने 12 दिन इंतजार किया। 26 फरवरी को आधी रात के बाद भारत के 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस हमले से पाकिस्तान में कोहराम मच गया। पाकिस्तान ने आनन फानन में अगले ही दिन 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में अपने लड़ाकू विमानों के दस्ते के साथ भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की। भारतीय वायु सेना के अलर्ट फाइटर प्लेन ने पाकिस्तान की साजिश को फेल कर दिया। POK में भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों में जोरदार भिड़ंत हुई। भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया। हालांकि भारत का भी MiG-21 इस हमले में पाकिस्तानी फायरिंग की चपेट में आया। भारत के विंग कमांडर अभिनंदन सुरक्षित वापसी की कोशिश में पाक अधिकृत कश्मीर में चले गए। हालांकि महज 60 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।